नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। 412 जाबाजों को सम्मानित किया गया है। 6 जाबाजों को कीर्ति चक्र, 15 को शौर्य चक्र दिया गया है। इनमें से एक नाम जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल मुदासिर अहमद शेख का भी है। 32 साल के मुदासिर अहमद शेख ने आतंकवादियों का मुकाबला किया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। मुदासिर अहमद शेख बारामूला में 25 मई 2022 को आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गए थे। इस ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर हो गए। मुठभेड़ के दौरान मुदासिर अहमद ने बेजोड़ साहस दिखाया था और उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आइए जानते हैं मुदासिर अहमद की कहानी। 25 मई 2022 के दिन सुरक्षा बलों को 3 विदेशी आतंकियों के मूवमेंट की जानकारी मिली थी। इसके बाद बारामूला में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया। आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रा थी। मुदासिर अहमद शेख ने आतंकियों के वाहन की पहचान की, लेकिन आतंकी खतरा देखकर फायरिंग करने लगे। मुदासिर अहमद शेख अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों के वाहन पर छपटे और एक आतंकी को कार से बाहर खींच लिया। इसके बाद बाकी आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इससे मुदासिर अहमद शेख गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बावजूद वे एक हाथ से आतंकी को पकड़े रहे और आतंकियों से सामने से लड़ाई की और जवाब में ताबड़तोड़ फायरिंग की। मुदासिर अहमद शेख काफी जख्मी हो गए थे। इसके बाद वो शहीद हो गए, लेकिन इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। मुदासिर अहमद को बेजोड़ साहस, वीरता और शौर्य के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें मरणोपरांत अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।